आज डिस्कस करेंगे आरआईएमसी के मैथमेटिक्स पेपर जून 2023 का जो आया हुआ था। तो देखिए पेपर तो बहुत ज़्यादा ये अलग होके आया था, मैथ के ही क्वेश्चन थे, कुछ रीजनिंग के ज़्यादा थे इसमें। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, और बाकी के जो है पेपर डिस्कस करने के बाद हम लोग ऐसे सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आप न्यू पैटर्न पर आने वाले हैं, और जो जिसमें से ये सारे पेपर आए हैं वो भी हम सारे पढ़ाएंगे धीरे धीरे क्लासों में। तो चलिए हम पहले इस पेपर का सोल्यूशन पूरा देते हैं आपको, उसके बाद में जो है अगले दिन से जो है नया टॉपिक हम इनसे रिलेटेड ही लाएंगे जिनमें से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे अगले एग्जाम में। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका गिवन था कि फाइव प्रेडिक्शंस आर गिवन फॉर सोशल गेम। देखो सोशल गेम जो होता है भाई आपके फुटबॉल मैच वगैरह जो होते हैं सोशल गेम में ही आते हैं, और इसमें क्या होता है कि देखो पहला इसने प्रेडिक्शन किया कि देखो कि यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगा, दो टीमों में मैच होगा वो ड्रॉ नहीं होगा, और कहा कि नॉर्थ और साउथ दो अगर खेल रहे हैं तो नॉर्थ जो है साउथ के अगेंस्ट स्कोर करेगा, और ये भी कहा कि नॉर्थ जो है जीतेगा और नॉर्थ जो है हारेगा नहीं, और यहाँ पर टोटल गोल जो है वो तीन बनेंगे, ऐसा यहाँ पर पहले प्रेडिक्शन कर दिया गया, और कहा कि इनमें से सिर्फ तीन सही हैं तो बताइए कौन से सही होंगे। तो देखिए नॉर्थ नॉर्थ जीतेगा या फिर नॉर्थ हारेगा नहीं, ये दोनों बात एक हो जाएंगी, बाकी इनमें से तो देखो कोई भी एक सही कर लो, चाहे तुम ये वाला सही कर लो चाहे ये वाला। तो देखो दूसरा क्या है आपका ड्रा नहीं होगा, एक टीम जीते तो ड्रा नहीं होगा, और दूसरा जो है नॉर्थ ने साउथ के अगेंस्ट स्कोर किया ये भी सही हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जहाँ वन टू थ्री लिख लो या फिर थ्री की जगह तुम फोर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन तीन ही सही हैं, एक दो और ये तीन। तो तीन में क्या होता है आपका देखो नाथ हारेगा नहीं और नाथ जीतेगा, दोनों एक जैसा ही बात है, तो दोनों में से कोई भी सही कीजिए। देखिए इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन इसका दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 11 है। तो आपने जब पढ़ा होगा देखो टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, इसमें आपका कहा जाता है कि देखिए जब दो नेचुरल नंबर होते हैं लगातार नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर हो, जैसे मान लो यहाँ पर n प्लस वन का स्क्वायर है माइनस यहाँ पर n का स्क्वायर है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ से अगर हम इसको रख के देखें तो आएगा n प्लस वन प्लस n एन एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एन प्लस वन प्लस एन, दैट मीन्स टू एन प्लस वन आया। तो देखिए यहाँ पर या फिर कह सकते हो कि जो बड़ा वाला नंबर है और छोटा वाला नंबर इन दोनों का सम होता है, तो दो नंबर का सम जो भी क्या होता है वो लगातार नेचुरल नंबर का सम होता है। फिर में इसको लगातार दो नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, तो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए जो लगातार दो नेचुरल नंबर का सम हो जाए। तो अगर आप देखो मान लो कहेंगे कि 11 है तो हम आप कहेंगे 7 और 4 होगा तो 7 4 लगातार नहीं होता है, अगर यहाँ पर 6 करें तो ये 5 आ जाए, तो ये लगातार नंबर होता है 5 से। देखो ये बड़ा एन प्लस वन हो जाएगा, इसको अगर एन प्लस वन माने और ये एन, तो इस तरीके से हमारे ये नंबर मिल जा रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, और x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करके देखें, सॉरी ये वाला 1 होगा आपका, दोनों को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इक्वल्स टू 12 आ गया, यहाँ से x वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। x वैल्यू अगर 6 मिल गया तो दूसरी वैल्यू आपके 6 प्लस कितना करेंगे 11 आएगा तो 5, दैट मींस y की वैल्यू जो है वो आपकी 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये दोनों इसमें सिर्फ x और y की वैल्यू ही पूछी गई, तो इस पर आप फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका था कि 13 स्क्वायर इनटू 29 ये क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया फाइंड ऑल फैक्टर्स, फाइंड ऑल फैक्टर्स। तो देखो फैक्टर्स यानी कि वो नंबर जो इन दोनों नंबरों इन इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सके। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 13 × 13 × 29। तो देखो ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता, तो देखो 100 हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है,
तो वन से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा देखो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं वो अपने आप खुद से जो है डिवाइड होते हैं या फिर खुद के ही किसी मल्टीपल से, ठीक है। तो देखिए तो ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 29 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 13 और 29 की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कितना आएगा आपका 377 आ जाएगा, और 13 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 169 और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 4901। ये सारे इस नंबर के फैक्टर हो जाएंगे जिनसे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो देखिए यही आपके इतने नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें कहा गया कि आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में दिया गया है कि देखिए एक नंबर है आई प्लस, इसमें एच ई प्लस करके ऐसे जो है एक टाइम्स दिया गया है, एक टाइम्स, और इसका आंसर आ रहा है यूएस। कहा गया है कि हर एक लेटर जो है इसमें, जितने भी लेटर हैं उनके सब डिजिट अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता, एक जैसे डिजिट नहीं हो सकती, तो बताइए कितना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो आई है प्लस एच ई जो है वो एक टाइम है, तो एच से मल्टीप्लाई करा दें इक्वल टू यू एस बना दिए, यानी कि देखो दो डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कोई आप ले लें तो देखो 99 आएगा ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन 99 क्या होता है, यू की वैल्यू 9 हो जाएगी, एस की भी वैल्यू 9 हो जाएगी, इसलिए हमें 99 तो नहीं ले रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसकी 8 से मल्टीप्लाई कराएं और वो 99 के पास में ही कोई नंबर आए, यानी कि 100 ना हो, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट में ना पहुंचे। तो ऐसा अगर 13 से अगर करें तो 13 एट जा कितना होगा, 13 एट जा कितना होता है 104, तो ज्यादा हो जाएगा 13 7 जा 91 ही रहेगा, और 12 से करें अगर तो देखो हमें 8 से ही करना है तो 12 एट जा करके देखिए, तो 12 एट जा हो गया 96। अब इसमें आई की वैल्यू क्या देते हैं, अगर हम इसमें आई की वैल्यू 1 जोड़ दे देते हैं तो 1 हम ऑलरेडी इसकी ले चुके थे, 2 इसकी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 लेने से 3 अगर लेंगे 99 हो जाएगा, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो देखो 1 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, और 4 लेंगे तब तो ये ऊपर ही चला जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब इससे नीचे कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो वो 0 है, यानी ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे 0। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 0 हो गई, एच की वैल्यू 1 हो गई, और ई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ये 96, जिसमें आपका यू का वैल्यू हो गया 9 और एस का वैल्यू हो गया 6। तो देखो हर एक नंबर जो है इसका सबका अलग अलग डिजिट आ गया, तो यही आपसे पूछा गया है इसमें, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया था, ये इसकी क्वेश्चन दी गए थे और कहा गया था इसके ऐसे एटलीस्ट 2 सोल्यूशन पेयर निकालने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाई करें। तो देखिए इसमें कहा गया कि अगर हम एक्स वैल्यू 1 रखें तो 1 का क्यूब भी 1 होगा, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 होगा, तो इस तरीके से देखो। और यहाँ पर अगर तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है वाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 2, इस तरीके से वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 to the power 1/4। तो इस तरीके से एक वैल्यू हम ये कर सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिया था 1, और वाई की वैल्यू इस तरीके से ये आ जाएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लें 2, तो 2 इसका मतलब है 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो गया। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 यानी कि जो y की वैल्यू है y4 की वैल्यू वो भी टू आ रही है 16, और यहाँ पर y की वैल्यू 16 आती है, तो इसका मतलब यह है कि यह है 2 to the power 4, दैट मीन्स y इक्वल टू भी 2 आ गया। तो x वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 2 आ रही है, और x वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू जो है इस तरीके से आ रही है। तो ऐसे ही आप कई पेयर निकाल सकते हैं जो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। 2009 कहा गया है 4 डिजिट नंबर है, इसमें आपको यह बताना है कि इसकी डिजिट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख के इसके इससे छोटा नंबर नहीं बनाया जा सकता, और कहा गया है इससे अगर छोटा नंबर नहीं बनाया सकता इसके आगे ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिससे जो है इससे छोटा उस वर्ष से छोटा नंबर ना बन सके।
तो देखिए यहाँ से आप कोई भी नंबर इसके आगे का है क्या लिख लो, जैसे 2010 है। अब 10 को कैसे भी हम लिखें, तो देखो अगर हम 1 इधर भी ले जाए तो 001, तो देखो इससे छोटा यही हो गया, इस तरीके से ये वाला नहीं हो पाया हो पाएगा। अगर हम लिखें कि 2012 अगर लिख लें, तो देखो 1 को अगर हम यहाँ रखते हैं आगे तब भी इससे छोटा नंबर हो जाएगा, तो देखो ये 2000 था 1000 ही रह गया। तो इस तरीके से हम कई ट्राई करके देखेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो 2022 एक ऐसा नंबर आएगा जिसको हम इससे इसकी डिजिट कहीं भी ले जाकर देखें इससे छोटा नंबर नहीं बन सकता फोर डिजिट का। और जीरो हम पहले लिख दे सकते हैं क्योंकि अगर आप कहीं ऐसा लिख के देखें कि 200 तो ये जो है सिर्फ 3 डिजिट का ही नंबर रह जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं कि 01, 02, 03, 04। इस तरीके से अगर हम नंबर लिखते हैं तो सिर्फ हम कहीं भी कह सकते हैं ये 1234 लिखा है, ना कि 00102। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका दिया था कि देखो एक टॉप प्लेनेट आया, कौन सा टॉप प्लेनेट से एक एलियन आया और उसने कहा गया कि देखो उसने मंडे को AI कहा और ट्यूजडे को AYI कहा और वेडनेसडे को उसने कहा AYYAI। ठीक है, और फिर थर्सडे को उसने क्या कहा कि AYYAYYAYAI। ठीक है, तो इस तरीके से कहा, तो कहा गया है कि बताइए इसे वो सैटरडे को क्या बोलेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कोड यूज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए था, यहाँ पर आई था, फिर इसमें ए और आई तो इधर रहा, इसमें सिर्फ वाई एड किया। फिर उसने क्या किया कि देखो ए बार ये रहा, आई इधर रहा और वाई इधर रहा, उसने वाई ए एड किया इसमें। तो देखिए इस तरीके से वाई यहाँ पर रहा और उसने क्या किया ये वाला वाई इधर रहा और ये वाला वाई इधर और ये वाला वाई इधर रहा और आई आपका ये वाला रहा। तो उसने देखो क्या क्या इसने ऐड किया, तो देखो पहले उसने वाई ऐड किया, फिर दूसरे में वाई ए ऐड किया, फिर इसने क्या किया वाई ए एंड ए वाई ऐड किया। तो अगले वाले में क्या करेगा ये देखो कि देखो वाई ए क्या करेगा ए वाई, इसमें पहले यही वाला लिख लो सेम टू सेम ऐसे करके लिख लेना ए ए वाई आई। अब इसके अंदर देखना है क्या क्या ऐड करेगा, करेगा वाई ए फिर वाई ए, अब ये देखा ए वाई इस तरीके से ये ऐड करेगा इसके बीच में। फिर ये क्या करेगा देखो इसको फिर से ऐड लिख लीजिए ए वाई वाई ए वाई वाई ए ए वाई ए ए वाई ए ए वाई वाई एंड आई इतना लिख दिया ये सेकेंडरी के लिए कोड। अब देखो ये क्या ऐड करेगा, देखो करेगा वाई ए फिर वाई ए वाई ए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करेगा, फिर से वाई ए 4 टाइम। अब क्या करेगा देखो ए वाई इसका उल्टा, पहले वाई ए करता है फिर ए वाई ए वाई करता है ना। तो देखो इसमें 1 टाइम किया था, इसमें 2 टाइम किया, इसमें 3 टाइम, तो इसमें 4 टाइम कर रहा है। ठीक है, तो ए वाई फिर से इसमें ए वाई फिर से इसमें ए वाई और फिर से इसमें ए वाई। तो इस तरीके से ये अपना कोड बना कर रोल रहा था। ठीक है, तो ये आपका ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया गया था कि आपका वही ऑर्डर प्लेस वाला, तो इसमें कैसे करना ये देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए इसको, आगे जो है टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपका ये क्लियर कर देंगे क्यों ऐसा आ रहा है। पीछे क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया था कि कहा गया कि कुछ मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन और कुछ कहा गया है फिलोसफर है। तो इसमें कहा गया है कि हर एक 7th मैथमेटिशियन जो है वो फिलोसफर है कि ना, कि एक फिलोसफर है 7th में से। ठीक है, हर एक 7th मैथमेटिशियन क्या है फिलोसफर है, तो यहां पर लिख लो फिलोसफर है ये। अब कहा गया कि हर 9th फिलोसफर जो है वो मैथमेटिशियन होता है, इसका मतलब 9 में से एक आपका क्या है मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन है। तो इसमें कहा गया कि बताइए कौन ज्यादा है, मैथमेटिशियन ज्यादा है या फिलोसफर ज्यादा है। इसका मतलब देखो फिलोसफर ये है मैथमेटिशियन ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 ज्यादा है या 1/9। तो आपको पहले पता है कि ये फ्रैक्शन हम कैसे कंपेयर करते हैं, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करके देख लो इसका इधर, फिर आएगा 9 ये आएगा 7, दैट मींस ये
ये ज्यादा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ज्यादा है, यानी कि फिलोसफर ज्यादा है देन मैथमेटिशियन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन आपका वही है, साधारण आपका क्या था ट्रैक्शन का था, लेकिन कुमार कितना दिया गया कि आप कंफ्यूज हो गए इसमें। तो करिए आगे फिर और ऐसे क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कहा गया था कि देखो अगर थ्री मैन थ्री आर में थ्री पिट्स खोद देते हैं, थ्री पिट्स मतलब गड्ढे, ठीक है, तीन आदमी तीन घंटे में तीन गड्ढे खोदते हैं, तो आपसे कहा गया कि बताइए कि छह आदमी पांच घंटे में कितने गड्ढे खोदेंगे। ऐसा था नाइन्थ है, थ्री डिगर्स कैन डिग थ्री पिट्स इन थ्री आर, हाउ मेनी पिट्स कैन सिक्स डिगर इन फाइव आर, तो हाउ मेनी पिट्स फाइव आर में पांच घंटे में कितने पिट्स खोलेंगे। ठीक है, ये आपके मैन हो गए, ये आर हो गए और ये पिट्स हो गए। तो देखिए आपने इसके लिए आप पढ़ा होगा पहले से ही, एक फार्मूला होता है इनका कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। और इसमें कहा जाता है कि देखो कि एम वन टी वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू टी टू अपॉन डब्ल्यू टू। ये फार्मूला याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर होते हैं, जब आपका टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे सारे एक तरफ से कि देखो यहाँ पर मैन कितने हैं, थ्री मैन हैं, टाइम कितना लग रहा है तो थ्री आर है, मल्टीप्लाई कर दो थ्री से, वर्क कितना लग रहा है कि थ्री तीन गड्ढे खोदते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पर मैन कितने हैं, सिक्स मैन हैं, और टाइम कितना लग रहा है इनको फाइव आर, और तो ये कितने पिट्स खोद रहे हैं ये हमें पता नहीं यहाँ पर लिख लिया। तो देखिए इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, हो गया एक्स इधर ले थ्री इधर ले जाते हैं, तो एक्स इधर हो जाएगा और थ्री से वाला डिवाइड हो जाएगा, तो टू इंटू फाइव आ जाएगा आपका, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू टेन पिट्स, यानी कि दस गड्ढे ये खोद देंगे छः लोग मिलकर पाँच घंटे में। तो इस तरीके से आपका देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, नहीं जी था कर लीजिए इसको। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया था कि ये एक इक्वेशन दी गई और इसने आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जो वेरिएबल होता है उसको हम एक साइड में रखते हैं और जितने कॉन्स्टेंट होता है इनको एक साथ मिला के आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका 2/73 है, ये सारा जब इधर आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े होगा इंडा की, देखो इंटरचेंजिंग वैल्यू कैसे होती है कि इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1/60, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 1/290 माइनस 1/292 एंड ये इक्वल्स टू मैं इधर 1/x इधर ही रहने दो क्योंकि उसी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो ये 73 है, तो ये 73 के सारे क्या हैं, ये वाले तीनों मल्टीपल हैं, तो हम इसमें से क्या करें कि 1/73 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस, यहाँ पर देखो आपका 1/1 जाएगा 73 थ्री टाइम जाएगा ना, और ये माइनस का ये 4 टाइम मिला जाएगा, और माइनस का 1/60 इसको ऐसे लिखा रहने दो और ये यहाँ पर ले आइए। तो देखिए 1/73 और इसके अपन में अगर 2 लिख लें तो इनका ऐसे हो जाएगा 12, तो 12 किस तरीके से यहाँ पर देखो 12 से मल्टीप्लाई आएगा 12 2 24, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा माइनस 4 3 12 तो 3 हो जाएगा माइनस 1/60 यहाँ लिख दीजिए इस तरीके से, तो 1/73 इंटू या अगर देखो 27 में से 24 में से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका 17 हो गया 17/12 माइनस 1/60। अब इसमें क्या करो कि इसमें से देखो ये इसको अगर हम लिखना चाहें ऐसे तो इसको लिख सकते हैं 12 × 5, तो 1/12 यहाँ और 1/12 फिर से कॉमन लीजिए, तो 1/12 कॉमन ले लें तो 1/73 और ऊपर 17 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 1/5, इन दोनों का एलसीएम लेके देखें तो ये आएगा आपका 365 आएगा, 365 आ जाएगा, तो इसका जो है 5 से मल्टीप्लाई करा दिए तो 85 आ गया और माइनस इसको 73 कर दिए यहाँ 73 और ये 1/12 ऐसे ही, इसको जरा करिए तो ये 1/12 एज इट इज लिख लीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये आ गया 2 और ये 1 12 आ गया, नीचे जो है 365 रहेगा
365 मल्टीप्लाई में है तो ये 12 इससे कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1 अपॉन 365 और इसके इक्वल टू में चल रहा था क्या 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 35 इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो इसका मतलब अलग ले लेते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 365 इट मीन्स एक्स इक्वल टू 365 हो जाएगा। एक्स वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा देखो कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव लॉज पढ़े हैं, उन्हीं से ये जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं और ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं होती है, नहीं तो आप लोग जो है इतने सबके एलसीएम वगैरह लेने में ही फंसे रह जाएंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर रूल्स पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, आपको हम क्लास देंगे तो रूल्स भी पढ़ा देंगे। चलिए देखिए आपके ये 10 क्वेश्चन जो है यहाँ तक डन हो चुके हैं और आपके क्वेश्चन इसमें देखो 30 क्वेश्चन हैं और अभी तक ये जो है 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में है, इतना लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए जो है आपके बाकी के 20 क्वेश्चन जो बचे हैं ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। इनमें से देखो अभी 10 क्वेश्चन जो बचे हैं वो 5-5 मार्क्स के ही हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो 10-10 मार्क्स के हैं, यानी कि 100। ये अभी आपके जो है अगले क्लास में आपको बना के देते हैं वीडियो, जिससे क्या होगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और क्या होगा बोर भी नहीं होगा ज़्यादा टाइम में, तो बने रहिए साथ में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे।